So dear kids, now we will start the next chapter. So we will start like that. I am wearing this shirt. You are wearing your different types of clothes. तो ये जो clothes आपने पहने हैं, कपड़े आपने जो पहने हैं, वो किसके बने हैं? Clothes किसके बने हैं? वो बने हैं किसी fabric के. Either it is cotton fabric or it is woolen in the winter season. Or it may be silk, sometimes it may be jute, these are different, it may be terylene, it may be polyester, so these are different types of fabrics. Ye fabrics ka cloth banate hain, to fabrics kise bante hain? Class 6th mein humne baat ki thi, do tarah ke fabrics ke baare mein, cotton and jute ke baare mein. To those fabrics are made up of from fibers. Fibers se unko banaya jata hai. तो ये फाइबर्स का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पहले. तो हाउ मेनी फाइबर्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर. सो द फाइबर्स क्लासिफिकेशन, फाइबर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कि मिलते कहां से हैं. तो उसके बेसिस पर वो दो टाइप्स के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल को सिंथेटिक भी बोल सकते हैं और इसको मैन मेड भी बोल सकते हैं. सो दे आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. The first natural fiber. Natural means from the nature. Nature means the plants or from the animals. So these natural fibers are further subdivided into two more types. Plant fibers and animal fibers. Now when we talk about the plant fibers, the source is plants. They plants se milte hain. So the name is plant fibers. So plant fibers in class 6th we already talked about. Those are of not only two, but two we had talked about in details, cotton and jute. Also we talked about flax, we talked about hemp. So all these are plant fibers and we already talked about these plant fibers in class 6th. Now the second natural fiber is animal fibers. The animal fibers are obtained, प्राप्त होते हैं फ्रॉम एनिमल्स. सो द नेम इज एनिमल फाइबर्स. सो देर आर टू एग्जाम्पल्स एंड दीज टू एग्जाम्पल्स वी विल टॉक अबाउट दिस ईयर इन दिस चैप्टर, वूल एंड सिल्क. सो वी विल टॉक अबाउट दीज टू फाइबर्स, फ्रॉम वेयर दीज आर ऑब्टेन्ड, हाउ द प्रोसेसिंग ऑफ दीज फाइबर्स इज डन टू मेक इन टू अ फैब्रिक. एंड द सेकेंड फाइबर्स क्लासिफिकेशन में बात की, सेकेंड टाइप इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक और मैन मेड. तो ये फाइबर्स कहां से मिलते हैं? ये बनते हैं केमिकल्स से और इनके बारे में हम बात करेंगे इन 8th क्लास. सो फॉर नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल फाइबर्स, दैट इज वन इज वूल, अनदर इज सिल्क. सो द फर्स्ट एनिमल फाइबर इज वूल, WOOL. वी विल टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. सो वूल इज वन एनिमल फाइबर, एनिमल से मिलता है. तो वूल जिन एनिमल से मिलता है वो वूल यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? वूल यील्डिंग एनिमल्स, यील्ड मतलब प्राप्त करना, उन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें वूल मिलता है. तो सबसे पहले नाम जब वूल की बात करते हैं तो आता है नाम शीप का, शीप. तो दिस इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वूल, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वूल इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट गोट, गोट से मिलता है. गोट के दो वेराइटी की हम बात कर रहे हैं, अंगोरा गोट एंड कश्मीरी गोट. तो इनके जो फाइबर्स होते हैं वो भी, इनके जो बाल होते हैं वो फाइबर के फॉर्म में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट कैमल, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं. याक, तिब्बत एंड लद्दाख, आप इनके फोटोग्राफ भी साथ में देखते जाइए. नेक्स्ट अल्पेका, डबल एल है ना, वंडरफुल वर्ड. हैव यू सीन द वर्ड लाइक दैट बिफोर? डबल एल ए एम ए, लामा. एल्पाका एंड लामा बोथ आर फाउंड इन साउथ अमेरिका. सो दीज आर सम कॉमन एनिमल्स विच आर द वूल यील्डिंग एनिमल्स. लेकिन लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है? शीप. सो वी विल फर्दर नाउ टॉक अबाउट द शीप, इससे प्राप्त कैसे करते हैं फाइबर को एंड आगे की प्रोसेसिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट शीप. शीप को देखा आपने, पूरी बॉडी बालों से ढकी होती है,
बहुत सारे बालों से, थिक कोट ऑफ हेयर अराउंड इट्स बॉडी, दिस इज हैविंग ए स्पेशल नेम, दैट इज FLEECE, फ्लीस। एफ व्हाट क्या, व्हाट इज दैट, FLEECE, फ्लीस। सो व्हाट इज दैट, दिस इज ए थिक कोट, थिक मतलब मोटा सा कोट ऑफ सॉफ्ट हेयर, बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ द शीप इज नोन एज फ्लीस। सो दिस फ्लीस इज फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द शीप एंड अदर वूल यील्डिंग एनिमल्स एज वेल, उन पर भी होती है, शीप पर भी होती है। तो इस फ्लीस का फंक्शन क्या है, यूज क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। ये शीप को भी बाकी दूसरे बॉडी एनिमल्स की बॉडी पर होती है तो उनकी बॉडी को भी प्रोटेक्शन देती है, किससे, फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी से बचाती है। वाओ, मतलब इनको कंबल नहीं ओढ़नी है, दे हैव नो यूज ऑफ ब्लैंकेट, ऑलरेडी दे आर हैविंग नेचुरल ब्लैंकेट्स। हमारी तरह तो हमें तो लेना पड़ती है, ब्लैंकेट लेनी पड़ती है, स्वेटर पहननी पड़ती है, हमें इनके बने हुए फैब्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके पास नेचुरल स्वेटर्स हैं, नेचुरल शॉल्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं। ओके, तो क्या करती है, कोल्ड से बचाती है। कैसे बचाती है फ्लीस इनको कोल्ड से, थिक कोट ऑफ हेयर उनकी बॉडी के चारों तरफ है, और ये जो थिक कोट है उनके उस हेयर्स के बीच में बहुत सारी एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फंस जाती है। और जो एयर फंसी है वो एयर कैसी होती है, हमने क्लास सिक्स में बात की थी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के चैप्टर में, दैट एयर इज पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफर होने नहीं देती है। इसका मतलब हीट, बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाएगी, इसका मतलब कीप द बॉडी वार्म। तो फ्लीस उनकी बॉडी को कोल्ड वेदर से बचाती है। नाउ ये फ्लीस दो टाइप्स की होती है, उसके पहले आप एक चेक करिए खुद के ऊपर, आपने हेयर्स को टच कीजिए जो आपके हेड पर हेयर्स हैं, और दूसरी बॉडी के जो हेयर्स हैं, आपने जैसे आपके बॉडी पर अपने हाथों पर बाल हैं तो इन बालों को चेक कीजिए, दोनों में एक डिफरेंस है। जो हमारे हेड हेयर्स हैं या फेस के हेयर्स, आपके फेस पर हेयर्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात करूं या आपके पेरेंट्स के बारे में बात करें, आपके पापा शेविंग बनाते हैं, तो दो हेयर्स ऑन द हेड और द फेस आर डिफरेंट देन द बॉडी हेयर्स। द बॉडी हेयर्स आर सॉफ्ट एंड द हेड एंड द फेशियल हेयर्स आर कोर्स, रूखे होते हैं। तो दो तरह के टाइप्स इनके। तो इसी तरह से जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी पर भी दो तरह के हेयर होते हैं, पहले उनके फेस वाले और दूसरे उनके बॉडी वाले। तो दोनों के अलग अलग नाम है, पहला बेयर्ड हेयर, बेयर्ड का मतलब हिंदी में दाढ़ी होता है, तो उनकी भी दाढ़ी वाले, फेस फेस का मतलब वो दाढ़ी वाले बाल, तो फेस फेस वाले बेयर्ड हेयर। और दूसरे होते हैं अंडर हेयर, अंडर हेयर दूसरे वाले जो सॉफ्ट उसकी बॉडी पर चारों तरफ है, वो सॉफ्ट होते हैं, और ये बेयर्ड हेयर ये कोर्स होते हैं। तो हमें कौन सी वाली शीप चाहिए, हमें वो वाली शीप चाहिए विच इज हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ दीज सॉफ्ट अंडर हेयर। सो दीज सॉफ्ट अंडर हेयर शीप आर वेरी गुड टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी ऑफ वूल। तो इसका ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फार्मर्स इसके लिए एक प्रोसेस, एक मेथड को यूज करते हैं, उसका नाम है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो वर्ड है उसमें सिलेक्टिव वर्ड बना है सिलेक्शन से, सिलेक्शन करना, चूज कर लेना जो ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा अच्छा है उसको चूज कर लेना, और उसके बाद में उस वाली शीप की ही आगे नेक्स्ट वाली संतानें पैदा हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ऐसे पेरेंट्स को चूज कर लेना जिनकी बॉडी पर जो सॉफ्ट अंडर हेयर्स की हमने बात की वो ज्यादा है, तो ऐसे वाले पेरेंट्स की जब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, संतानें, ऑफस्प्रिंग, अब एक वर्ड लिखिए, ऑफ स्प्रिंग, संतान को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जिनकी बॉडी पर सॉफ्ट अंडर हेयर ज्यादा है तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी उनकी भी सॉफ्ट अंडर हेयर ज्यादा होंगे, फ्लीस ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह की ब्रीडिंग को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। डेफिनेशन, ब्रीडर्स मतलब ऐसे किसान लोग, ब्रीडर्स सिलेक्ट सच ब्रीड्स, ऐसी ब्रीड को सिलेक्ट कर लेते हैं एज पेरेंट्स के रूप में, फॉर गिविंग बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, या तो बिल्कुल सॉफ्ट अंडर हेयर ही है या फिर उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, दिस इज नोन एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये प्रोसेस किसान लोग एक दूसरे काम के लिए भी करते हैं। कुछ किसान लोग जो फूड ग्रेन्स अपने खेतों में उगाते हैं तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड सीड्स को, बीजों को, अनाज के बीजों को
अलग कर लेते कि हाँ यार ये दीज सीड्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मैं क्रॉप लगाऊंगा अपने खेत में, आई विल सो SOW उगाऊंगा इन खेत इन बीजों को खेत में, तो उनसे अच्छे क्वालिटी की फूड ग्रेन्स वाली फसल के पौधे तैयार होंगे, तो वो भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग है। उसी तरह से शीप के मामले में सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है इस तरह से। तो वो जो ब्रीडर्स होते हैं मोस्टली कई बार वो खुद ही उनको ले जाते भी चराने के लिए भी, तो वो उनका ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। तो आपने अक्सर शेफर्ड्स को देखा है जो झुंड को ले जाते हैं चराने के लिए। शेफर्ड वर्ड किससे बना है? शीप एंड हर्ड्स, SHEEP, इसमें एक ई गायब हो गया तो शेप बन गया, और नेक्स्ट में हर्ड का मतलब झुंड, हर्ड्स, हर्ड्स ऑफ शीप। तो इसको चराने वाले को क्या बोलते हैं? शेफर्ड। वो अक्सर अपने 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 खेतों की तरफ, कभी आउट ऑफ द सिटी जंगल से बाहर खेतों की तरफ देखा होगा कि शेफर्ड उनको शीप को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं। तो ये जो शेफर्ड्स होते हैं वो अक्सर कई बार ब्रीडर भी होते हैं, खुद ही होते हैं, या किसान लोग शेफर्ड्स को ये काम दे देते हैं। तो किसान लोग ये काम करते हैं, तो इस काम को करने को मतलब उनको पालना, उनका पालन पोषण करना, उनकी केयर करना और उनकी ब्रीडिंग करवाना, जिसे अच्छी क्वालिटी की सॉफ्ट अंडर हेयर वाले फ्लीस मिले, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग। रियरिंग वर्ड बना है RER, रियर का मतलब पालन पोषण करना, उसका एक मीनिंग और भी होता है रियर का मतलब पीछे, लेकिन इसका यहां पर मीनिंग हम जो समझेंगे वो है पालन पोषण करना, देखभाल करना। रियरिंग एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बात की, तो इसी का एक दूसरा नाम भी है जो एट क्लास में हम ज्यादा बात करेंगे, उसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जो हस्बेंड्री वर्ड है वो हस्बैंड से बना है, यहाँ हस्बैंड का मतलब पति वाला हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड का मतलब यहाँ पर फार्मर है। तो किसान लोग जो एनिमल्स की किसानी करते हैं, एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका पालन करते हैं, या हिंदी बोलेंगे पशुपालन, तो इसके लिए वो ध्यान कैसे रखते हैं, सो उसके अलग अलग तरीके, उनके खाने का, उनके रहने का इंतजाम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, शीप क्या है? हर्बीवोर है, इट फीड ऑन योर प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। एंड ऑयल केक्स, ऑयल केक्स की बात करें, ऑयल केक, वाओ, बर्थडे केक नहीं है ये, ऑयल केक है। ऑयल केक मतलब जो ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें सरसों की, मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड या कोई दूसरा भी ऐसा बीज जिससे कि ऑयल निकाला जाता है, तो ऑयल सीड्स से जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो उसके बाद में उनका जो क्रश्ड पार्ट बच जाता है, जिसमें ऑयल मोस्टली निकल जाता है, उस पार्ट को बोलते हैं ऑयल केक, और इसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और ये कैटल को, शीप को, इनको बहुत पसंद भी होता है, तो ये ऑयल केक भी इनको दिया जाता है। और जब सीजन आ गया, इन कोल्ड सीजन, कोल्ड वेदर आ गया, तो उस वक्त क्या करेंगे? तो उस वक्त इनको ध्यान रखना जरूरी है। वैसे हमने बात की इनके ऊपर, तो है थिक कोट है फ्लीस की, उसके बाद भी बचाव रखना जरूरी है, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर डेथ होगी तो। इसलिए दे कीप दीज ऑल द शीप इन इन देयर इनडोर्स, अंदर की तरफ बाड़े वगैरह बना के रखते हैं, तो उनके अंदर रखते हैं, कैप्ट इंडोर्स, इंडोर मतलब दरवाजों के अंदर सेफ। उनको क्या खिलाते हैं उस वक्त? ग्रेन, अनाज, ड्राई फोडर, सूखा चारा एंड लीव्स अगर मिल जाती है तो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द शीप। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ब्रीड्स। ब्रीड्स मतलब अलग अलग नस्लें। तो ब्रीड्स ऑफ शीप इन इंडिया, इंडिया में जो शीप की अलग अलग ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी है और किस किस काम में आती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने बात की थी कि इंडिया में अलग अलग ब्रीड्स होती हैं शीप की, जो अलग अलग कामों में काम आती है। तो वो कौन कौन सी ब्रीड है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर एक टेबल है, सी दिस टेबल, इसमें 1, 2, 3, 4 चार कॉलम है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में नेम ऑफ ब्रीड, ब्रीड का नाम क्या है, देन क्वालिटी ऑफ वूल, उस वूल की क्वालिटी क्या है, देन इन द लास्ट कॉलम स्टेट वेयर फाउंड, जहां मिलती है उस स्टेट का नाम, या एक से ज्यादा तो उनका नाम। तो ये 6 ब्रीड है मेनली जिनके बारे में बात करते हैं शीप की इंडिया में। लोही फर्स्ट, राइट में आप इसका ये फिगर भी देखिए, लोही का सबका अलग अलग फिगर भी दिया गया है। लोही की बात करें तो लोही की क्वालिटी कैसी होती है? गुड, अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और स्टेट्स वेयर फाउंड, कौन से स्टेट में पाई जाती है? राजस्थान एंड पंजाब। नेक्स्ट ब्रीड नंबर 2, रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर की जो
वूल इसकी क्वालिटी कैसी है, ब्राउन ब्राउन कलर वाली वूल इसकी मिलती है और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड इज नाली, नाली द ब्रीड्स नेम इज नाली, कारपेट बनाने में काम आती है, इसकी क्वालिटी ऐसी होती है, कारपेट मतलब कालीन बिछाने के लिए फर्श पर। एंड द लास्ट स्टेट्स कहां मिलती है, राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब। फोर्थ ब्रीड इज बाखरवाल एंड द बाखरवाल इज यूज फॉर वूलन शॉल्स, इसकी वूल के शॉल्स बनाए जाते हैं और जम्मू एंड कश्मीर में ये ब्रीड पाई जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ इज मारवाड़ी, मारवाड़ी द क्वालिटी ऑफ द वूल इज कोर्स, मोटी होती है, जो हमने बात की थी जो बियर्ड वूल बियर्ड हेयर होते हैं वो फेशियल हेयर वो कोर्स होते हैं, तो ये वूल भी कोर्स होती है और गुजरात में पाई जाती है वाली नस्ल ब्रीड। एंड द लास्ट वन इज पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी ब्रीड इज यूज फॉर द होजियरी जो गार्मेंट्स है उनके लिए एंड ये फाउंड पाई जाती है गुजरात में। तो दीज आर द सिक्स मेन ब्रीड्स ऑफ शीप इन इंडिया। शीप के बालों से वूल कैसे बनेगी, वूल जो फाइनल प्रोडक्ट है जिससे कि स्वेटर बनेंगे शॉल बनेंगे, तो वहां तक प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेसिंग की हम बात करेंगे नाउ फ्रॉम फाइबर टू वूल। सो दिस प्रोसेसिंग इज डिवाइडेड इनटू सिक्स स्टेप्स, छह स्टेप्स में ये काम होता है, चाहे हम फैक्ट्री की बात करें चाहे जो छोटे किसान लोग हैं वो अपने घर पर भी ये छोटा लेवल पे करते हैं तो वो भी ये छह स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो व्हाट आर दीज सिक्स स्टेप्स, दीज आर फर्स्ट इज शियरिंग, शियरिंग, नेक्स्ट इज स्कॉरिंग, देन सॉर्टिंग, फोर्थ स्टेप में सॉर्टिंग स्कोरिंग एंड ड्राइंग, तीन है, फिफ्थ में कलरिंग और डाइंग एंड इन द लास्ट रोलिंग। सो सिक्स स्टेप्स आर देयर, वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट दीज ऑल सिक्स स्टेप्स। इन द फर्स्ट शियरिंग, एस एच ई ए आर, शीर का मतलब काटना होता है। सो इन दिस स्टेप द फ्लीस द सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ द शीप आर शियर्ड, उनको रिमूव किया जाता है, काटा जाता है। रिमूवल ऑफ द फ्लीस ऑफ द शीप विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन, और जब वो बाल काटे जाते हैं तो स्किन की भी पतली सी एक लेयर जो ऊपर वाली ड्राई डेड सेल्स की होती है वो स्किन भी साथ में आ जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज शियरिंग। इसके लिए क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स में आपने देखा होगा पापा को, पापा शेव बनाते हैं, तो शेव बनाते हैं तो रेजर का इस्तेमाल करते हैं, तो बालों की हेयर के साथ में एक स्किन की पतली लेयर भी आ जाती है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द रेजर। सो रेजर लाइक जो और जो बार्बर होता है, नाई जो होता है, वो शेव बनाते हैं, उनके पास जो टूल होते हैं वैसे ही टूल्स का इस्तेमाल जो ब्रीडर्स होते हैं वो भी करते हैं शेयरिंग के लिए। मशीन लाइक यूज बाई बार्बर्स, बार्बर मतलब नाई। कब करते हैं ये शेयरिंग का काम शीप का, इन हॉट वेदर, गर्मियों में करेंगे, सर्दियों में विंटर सीजन में नहीं करेंगे। हॉट वेदर में क्यों करेंगे, कि हॉट वेदर में उनको इन बालों के कारण बहुत ज्यादा हॉट फील होगी, गर्मी फील होगी, बट इन द विंटर सीजन अगर हटा दिया जाएगा हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए। वैसे सफिशियंट वार्मथ रहती है इसके बाद भी, लेकिन अगर कोल्ड विंटर में बहुत ज्यादा हो जाए तो उनकी डेथ हो सकती है, इसलिए विंटर सीजन में नहीं, ये समर सीजन में करेंगे, हॉट वेदर में करेंगे, तो इनसे कोई इनको नुकसान नहीं होगा। जैसे हमारे बाल काट दिए जाए कोई नुकसान होगा, डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं है। सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब होता है वॉश करना, तो ये जो हेयर्स थे शीप के उनको वॉश किया जाता है, वॉशिंग इन टैंक्स, अगर छोटे लेवल भी किया जाता तो टैंक्स में पानी डाल के इसको वॉश करते हैं, बड़े लेवल भी करते हैं तो ये मशीन्स के द्वारा होता है, कहां फैक्ट्रीज में होता है। क्यों करते हैं, टू रिमूव डर्ट डस्ट ऑयल एटसेट्रा, उन बालों में डर्ट गंदगी हो सकती है, डस्ट धूल हो सकती है, ऑयल हमारी भी स्किन से ऑयल निकलता है तो उनकी स्किन से भी ऑयल निकलता है, ग्रीस एटसेट्रा, तो उन सबको रिमूव करने के लिए स्टेप नंबर सेकंड। थर्ड स्टेप में बात करें सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब छटाई करना। अब किस चीज की छटाई करना, उसके जो जो हेयर्स हैं वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं, कोर्स एंड सॉफ्ट, मोटे वाले एंड सॉफ्ट नर्म वाले, तो उनको फैक्ट्री में अलग किया जाता है सॉर्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर, इसमें तीन चीजें शामिल है, सॉर्टिंग स्कोरिंग एंड ड्राइंग, तीनों चीजें होती है। तो सबसे पहले सॉर्टिंग, फिर से सॉर्टिंग, ये यहां पर तो सेकंड वाली सॉर्टिंग है, ये वाली सॉर्टिंग से डिफरेंट है, यहां पे तो कोर्स एंड सॉफ्ट हेयर्स की सॉर्टिंग की गई थी यहां पर, लेकिन ये नहीं है। यहां पे कौन से हेयर की सॉर्टिंग की जा रही है, आपने शायद कभी देखा हो कि आपकी जो स्वेटर है, आपका कोई शॉल या ब्लैंकेट के सरफेस के ऊपर उसके छोटे छोटे गुच्छे, बालों के गुच्छे ऊपर आ गए हैं, दोज टफ्ट्स
वो गुच्छे जो बन गए हैं एक्चुअली वो है, उनका नाम होता है बर्स, और वो फ्लफी फाइबर जो गोल गोल फाइबर से वही वाले होते हैं। तो अगर अगर उसकी प्रॉपरली यहां पे सेपरेशन नहीं हुआ है, अगर हटाया नहीं गया था इसे स्टेप नंबर 4 में, उन फ्लफी फाइबर्स को, बर्स को, BURS, अगर इनको नहीं हटाया गया था स्टेप नंबर 4 में, तो वो आपके स्वेटर पे, तो आपके शॉल पे वो आते हैं। तो इस स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले उसको उनको हटाया जाता है, नेक्स्ट स्कोरिंग, फिर से उनको वॉश किया जाता है, एंड थर्ड स्टेप में उनको ड्राई किया जाता है, सुखा लिया जाता है, जिससे कि फिफ्थ स्टेप में उनका आगे वाला प्रोसेस हो सके। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा? कलरिंग, कलर किया जाएगा, डाई किया जाएगा, डाइंग किया जाएगा। डाइंग किसे बनाया है? DYE, डाई मतलब कलर, आजकल बालों में कलर करने का फैशन है, उसी तरह से। तो कलरिंग की जाती है। अच्छा, क्यों कलर करते हैं? हैव यू सीन द शीप? शीप के आपने अपने ये पिक्चर्स देखे, वीडियो देखे, इनमें आपने देखा कि शीप का कलर या तो कैसा होता है, ब्लैक या ब्राउन या फिर होता है व्हाइट, तीन कलर्स होते हैं इसलिए। लेकिन आपके स्वेटर्स, आपके शॉल, ब्लैंकेट्स, इनमें तो इन तीन कलर्स के अलावा पता नहीं वैरायटी ऑफ कलर्स आर देयर। सो दीज डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वैरायटी इन द कलर्स, ये कैसे आती है? ये आती है ड्यू टू द स्टेप नंबर 5, कलरिंग। तो अलग अलग कलर्स में उनको कलर कर दिया जाता है। एंड इन द लास्ट स्टेप नंबर 6, रोलिंग, रोल करना, उनके रोल बनाना। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले फाइबर्स को स्ट्रेटन करते हैं, स्ट्रेटन मतलब सीधे कर दिए जाते हैं, कॉम्बिंग की जाती है उनकी, कॉम्ब्ड कर दिया, जैसे कि बीच में कोई गुत्था, उलझे हुए फाइबर्स ना हो, और रोल्ड इनटू यार्न, उसके बाद में उनको रोल कर दिया जाएगा यार्न के फॉर्म में मार्केट में बिकने के लिए। तो वो जो यार्न से, वो दो तरह के लास्ट में फाइबर मिलते हैं, यार्न मतलब धागा, तो एक तो लॉन्ग, दूसरे वाले शॉर्ट। जो लॉन्ग लंबे वाले हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है स्वेटर्स बनाने के लिए, जो शॉर्ट है उनसे वुलन क्लोथ बनते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट, शॉल एटसेट्रा। सो दीज आर द 6 स्टेप्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया लास्ट लास्ट में स्टेप में, क्या बन गया? यार्न बन गया, वुलन यार्न। 6 स्टेप्स की हमने बात की प्रोसेसिंग के द्वारा, कि प्रोसेसिंग जब होती है तो वूल का फाइबर लास्ट में वूल के यार्न के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेसिंग में हमने 6 स्टेप्स के बारे में बात की। तो हमने उसमें दो स्टेप्स में बात की थी सॉर्टिंग के बारे में, कि सॉर्टिंग की जाती है। पहली सॉर्टिंग में बात की कि कोर्स एंड सॉफ्ट फाइबर्स को अलग करते हैं, दूसरी सॉर्टिंग में बात की जो बर्स होते हैं, फ्लफी फाइबर्स, गुच्छे वाले, उनको अलग करते हैं। तो ये काम मोस्टली जब होता है तो वहां पर पीपल इन्वॉल्व होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब ये हो कि फाइबर्स के कॉन्टेक्ट में वो आए। अगर वो जो शीप थी जहां से फाइबर्स लाए गए हैं, हेयर्स लाए गए, अगर उन शीप को इन्फेक्शन था, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई दूसरा इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, तो वो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन उन सॉर्टर में, सॉर्टर मतलब सॉर्टिंग करने वाले लोग, उन सॉर्टर्स में भी वो प्रॉब्लम आ जाए। तो ये बीमारी क्यों आई उनमें? क्योंकि ये लोग उस काम में जुड़े हुए हैं, उस काम में जुड़े मतलब उस ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए ऑक्यूपेशन हजार्ड नाम का एक स्पेशल वर्ड बना, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशन मतलब जो काम वो लोग करते हैं, हजार्ड मतलब खतरे, डिजीज, कोई बीमारी। तो ये जो हमने सॉर्टिंग के बारे में बात की, तो जो सॉर्टर्स करते हैं सॉर्टिंग, कभी कभी इन्फेक्टेड हो सकते हैं भाई। तो ये जो सॉर्टिंग करने वाले, वूल की सॉर्टिंग करने वाले हम बात कर रहे हैं, तो इन लोगों की बीमारी होती है उसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक्चुअली एक डिजीज का नाम भी है और बैक्टीरियम का नाम भी है कॉमन लैंग्वेज में। इसका साइंटिफिक नाम बैसिलस एंथ्रेसिस है, वी विल टॉक अबाउट इन क्लास 8, बट राइट नाउ इसका सिंपल नेम है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो किसके कारण हुई? सॉर्टिंग करने के कारण। तो इसलिए इस डिजीज का एक दूसरा नाम भी है सॉर्टर्स डिजीज, सॉर्टिंग करने वालों की डिजीज। तो ये हुई क्यों? क्योंकि उन्होंने सॉर्टिंग करने का काम किया, उनका काम ही है, उनका ऑक्यूपेशन, उनका जॉब ही है सॉर्टिंग करना। तो डिजीजेस ड्यू टू ऑक्यूपेशन आर नोन एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड, दिस इज अ डेफिनेशन। ऑक्यूपेशन के कारण होने वाली डिजीज को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट वॉज अबाउट द वूल। सो नाउ वी आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड एनिमल फाइबर की बात करेंगे। फर्स्ट वूल की बात कंप्लीट हो चुकी है, नाउ द सेकेंड एनिमल फाइबर दैट इज सिल्क, हिंदी में रेशम। सो सिल्क इज ऑल्सो एनिमल फाइबर बिकॉज दिस इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन एनिमल, और वो एनिमल कौन है? उसका नाम है सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म। तो क्योंकि ये नेचुरल है तो ये नेचुरल सिल्क है, ये एनिमल से मिला,
इसलिए नेचुरल सिल्क है, लेकिन आपको पता है आर्टिफिशियल सिल्क भी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं वही ज्यादा है। वो आर्टिफिशियल सिल्क वो कैसे बनता है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन क्लास 8th। सो दैट इज आर्टिफिशियल, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सिल्क। तो नेचुरल सिल्क प्रोडक्शन करने के लिए जो लोग प्रोडक्शन करते हैं इसमें शामिल होते हैं, उन किसानों को का जो ये काम है प्रोडक्शन करने का, कल्चर करने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरी कल्चर। सेरी कल्चर तो डेफिनेशन क्या होगी, द रियरिंग, पालन पोषण करना। यहां पे किनका पालन पोषण होगा, वूल के लिए हमने बात की, शीप का, शीप की रियरिंग होती है, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसको। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किसकी रियरिंग होगी, सिल्क वॉर्म की। तो उसकी रियरिंग, पालन पोषण करना सिल्क वॉर्म का, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क प्राप्त करने के लिए, इज नोन एज सेरी कल्चर। बड़ा इजी सी डेफिनेशन है। तो सिल्क वॉर्म को रियर करना, पालना, जिसके कारण क्या मिलेगा, सिल्क वॉर्म से मिलेगा सिल्क, सो दैट इज सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर अलग अलग तरह के सिल्क वॉर्म के लिए किया जाता है। तो उनमें से कुछ टाइप्स हैं, मलबेरी, टसर, एरी, मूगा, कोसा एटसेट्रा, बट द मोस्ट कॉमन इज मलबेरी सिल्क वॉर्म। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, इसकी डिस्कवरी हुई चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई, और कई सालों तक चाइना ने इसको टॉप सीक्रेट बनाकर रखा, दुनिया को पता नहीं लगने दिया। और आज भी चाइना इज द नंबर वन इन द रैंकिंग ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन चाइना में होता है। तो चाइना में इसकी डिस्कवरी के लिए एक लेजेंड है, एक किंवदंती है, सच्चाई के बारे में नहीं जानते, एक कहानी है इसके बारे में। कहानी यह है कि चाइना के उस वक्त के एम्परर, सम्राट और एम्प्रेस थी। तो एम्परर का नाम हुआंग टी और चाइनीज जो थे नाम स्पेशल, एम्प्रेस का नाम सी लुंग ची। तो एम्परर ने एम्प्रेस को एक ऑर्डर दिया कि रानी साहिबा आप जाइए हमारे महल के गार्डन में, वहां पर जो मलबेरी के प्लांट्स लगे थे वहां पर, उनकी जो लीव्स हैं वो डैमेज हो रही है, प्लांट्स को नुकसान हो रहा है, आप जाइए पता लगाइए। तो वो अपने दासियों के साथ में गए वहां पे, दासियों, दास सेवक उनके साथ में। वहां पर उन्होंने देखा कि एक व्हाइट कलर का वॉर्म कीड़ा वो उन पत्तियों को खा रहा है। अच्छा, तो और उन्होंने ये भी देखा कि वो जो कीड़ा खाता कुछ समय बाद में कुछ प्लांट्स में उन्होंने देखा कि एक कोकून भी बन गया, राउंड कलर का स्ट्रक्चर बन गई है। महारानी साहिबा वहां पर इसी दौरान चाय पी रही थी, तो एक कोकून एक मलबेरी के प्लांट से गिरा और उनके चाय के कप में गिर गया, गर्मा गर्म चाय में गिर गया कोकून। कोकून जैसे गिरा तो उसका कोकून एक्चुअली फाइबर से बनता है, हम बात करेंगे बाद में। तो वो फाइबर सारे के सारे टैंगल्ड थे, उलझ थे, वो पूरे पूरे सुलझ गए चमकीले चांदी जैसे कलर के। वाओ, तो रानी साहिबा को तो पता लगा, बड़ा अच्छी चीज पता लग गई। और ये बात, ये शुरुआत थी डिस्कवरी ऑफ सिल्क की। उसके बाद में चाइना को जब पता लगा तो उन्होंने टॉप सीक्रेट रखा। कई सालों बाद में जब ट्रेड, व्यापार खुला, ओपन हुआ, वर्ल्ड ओपन हुआ, इकोनॉमी ओपन हुई, तो उसके बाद में बहुत सारे ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स को परमिशन मिली। तो जिस रूट से वो लोग ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स इसकी जानकारी लेके सिल्क के बारे में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में गए ना, तो उस रूट को आज भी बोलते हैं सिल्क रूट। और क्लास 6th में आपने इसके बारे में पढ़ा दी है सिल्क रूट। और सिल्क रूट की बात करें तो आपने साइंस में नहीं पढ़ा, इसको आपने पढ़ा सोशल साइंस में। So that is the discovery of silk. So now we will talk about the life history of silk moth. एक ने hundreds eggs दिए और around 10 days में hatching होने के बाद में larva निकले। वो larva खाना शुरू करते हैं mulberry plants के leaves को, ये उनको provide कराया जाता है, वहीं actually उनकी eggs दिए जाते हैं। वो ग्रोथ होती जाती है, 24 घंटे खाते रहते हैं, और ये 30 days तक खाने के बाद में इनका साइज बड़ा हो जाता है, इनको बोलते हैं caterpillar। ये कैटरपिलर का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, और 30 दिन के बाद में खाना बंद करने के बाद में इनके मुंह से एक सलाइवा सिक्रेशन होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। एयर के कांटेक्ट में आने से वो हार्डनिंग हो जाती है, सूख जाता है, और वो उसके चारों तरफ चिपकना शुरू हो जाता है। और ये खास तरह की मूवमेंट आप देखिए, 8 इंग्लिश के 8 के फिगर के शेप में उसकी मूवमेंट होती है। तो चारों तरफ वो फाइबर उसके चारों तरफ रोटेट होने के कारण कवर बनने लगता है और वो कोकून बना लेता है। ये कोकून देखिए, इसको बनने में अराउंड 48 आवर्स लगते हैं। जब वो पूरा कवर हो जाएगा तो हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन अंदर की तरफ कैटरपिलर का डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। वो अंदर बन गया है प्यूपा, और प्यूपा से उसका नेक्स्ट और लास्ट स्टेज आती है, वो है मोथ की। अब देखिए उसकी कोकून से बाहर आने की कोशिशें, मोथ
एडल्ट होने के बाद में कोकून से बाहर आ रहा है। कितना सुंदर सा कोकून इससे बाहर आता हुआ आपको दिख रहा है, एडल्ट सिल्क मॉथ जो बनाएगा क्लोथ। सो टोटल 4 स्टेज थी इसमें मेनली। पहले फीमेल जो सिल्क मॉथ है वो एग्स देती है, तो एग इज द फर्स्ट स्टेज। देन सेकंड स्टेज इज उसे निकलते हैं लार्वा जिनको कैटरपिलर भी बोलते हैं और उनको सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। सिल्क वॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैटरपिलर ही वो स्टेज है जिससे कि उसके मुंह से फाइबर निकलता है सिल्क वाला, इसलिए उसको सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है प्यूपा। प्यूपा अंदर की तरफ होता है, हमें नज़र नहीं आता, हमें नज़र आता है उसके चारों तरफ का कोकून। तो थर्ड स्टेज इज प्यूपा एंड द लास्ट स्टेज प्यूपा कम्प्लीटली डेवलप होने के बाद में एडल्ट मोथ के रूप में कोकून से बाहर आता है कोकून को तोड़कर। तो चौथी स्टेज है एडल्ट मोथ। तो दीज 4 स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सो सेरीकल्चर की शुरुआत करते हैं हम, किसान लोग कैसे काम करते हैं वाला सेरीकल्चर का, जिसमें रेशम का कीड़ा उसको उगाते हैं। तो सबसे पहले तो एग्स मार्केट में बेचे जाते हैं, वो एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। एग्स कलेक्ट करने के बाद में फार्मर्स उनको एक स्पेशल पेपर पर एक ट्रे के अंदर रख देते हैं और उन एग्स को फिर चैम्बर बने होते हैं और चैम्बर को एग फ्रेम बोलते हैं। उनके ऊपर एक टिश्यू पेपर से कवर करके उनको सबको इनक्यूबेटर में रख देते हैं। इनक्यूबेटर में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो जिसके कारण उन एग्स की हैचिंग होती है। अराउंड 10 से 20 डेज में एग्स की हैचिंग हो जाती है और उनसे बन जाते हैं करीबन आधा सेंटीमीटर लंबे, हर एक की साइज़ होती है, वो है लार्वा। ये लार्वा धीरे धीरे, क्योंकि अब इनको चाहिए फूड, अब तक तो अंदर थे, तो इनको वो जो चैम्बर थे उनको रख दिया जाता है बड़ी बड़ी ट्रेज में और उनको दी जाती है फ्रेश मलबेरी प्लांट की लीव्स। इनको वो खाना शुरू करते हैं वोरेशियस ईटर की तरह और खाते रहते हैं 24 आवर्स, हमने बात की लाइफ हिस्ट्री में भी। वो बन जाते हैं कैटरपिलर। जब वो कैटरपिलर बन जाते हैं तो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अपने मुंह से सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं जो कि प्रोटीन का बना होता है। उस वक्त सिक्रेशन करने के पहले इनको अलग से बने हुए बांस की खपच्चियों के चम्बस में रख देते हैं और वहाँ पर वो अपना कोकून बनाते हैं। कोकून के अंदर की तरफ उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। कोकून में पहले तो प्यूपा बनता है और प्यूपा बनने के बाद में वो डेवलप होकर जब मोथ बन जाता है तो मोथ बनने के बाद में वो तोड़कर निकल जाता है कोकून को। लेकिन अगर टूट गया कोकून तब तो फाइबर टूट गया, क्योंकि एक कोकून में एक फाइबर होता है, वो करीबन 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा फाइबर होता है। इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, उनको बॉईल करते हैं कोकून को, जिससे कि वो फाइबर सिल्क का टूटे नहीं। और इस दौरान डेफिनेटली डेथ भी हो जाती है सिल्क के मौत की। और इस तरह से फिर उसके बाद में रीलिंग कर ली जाती है और उससे सिल्क का जो फाइबर है वो तैयार हो। सो कोकून्स बन गए, अब इन कोकून से कैसे प्राप्त किया जाएगा सिल्क का फाइबर, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सबसे पहले कोकून्स का ढेर इकट्ठे कर लेंगे, उसको पाइल मतलब ढेर कर लेंगे। और उसके 3 तरीके हो सकते हैं आगे की प्रोसेसिंग के लिए। या तो हो सकता है अंडर द सन रख दिया जाए, धूप में रख दिया जाए। दूसरा तरीका है बॉइल कर दिया जाए उन कोकून्स को। एंड थर्ड इज स्टीम, उनको पहुंचाई जाए गर्म भाव। तो इन तीनों ही तरीकों से एट लास्ट होगा क्या, वो जो फाइबर्स थे कोकून जिस फाइबर्स का बना है वो फाइबर्स सारे के सारे सुलझ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब उसके बाद में इन फाइबर्स से क्या किया जाएगा, सेकंड स्टेप में रीलिंग की जाएगी मशीन्स के द्वारा। द फाइबर्स विल बी रोल्ड इन रोल्स, रोल बना लिए जाएंगे मशीन्स के द्वारा। तो मेकिंग सिल्क यार्न, धागा बन जाएगा एट लास्ट। सिल्क का यार्न बनाना फ्रॉम कोकून फाइबर्स, कोकून के फाइबर्स से सिल्क का यार्न बनाना इज नोन एज रीलिंग। तो दिस इज सेकंड स्टेप। इसमें क्या होगा, फाइबर्स की स्पिनिंग की जाएगी, ये भी काम मशीन से होता है। फाइबर्स की स्पिनिंग की जाएगी, स्पिन, हमने स्पिन के बारे में बात की तकली के बारे में, चरखे के बारे में इन द क्लास 6। तो स्पिनिंग, लेकिन यहां पर मशीन्स हैं एडवांस मशीन्स, उनके द्वारा स्पिनिंग की जाती है। इसके बाद में इन द लास्ट सिल्क यार्न इज फॉर्म्ड, बन गया। और उसके बाद में यार्न है तो यार्न से क्लोथ्स बन जाते हैं अलग अलग तरह के। यहां पर हमने, आपने भी शायद ध्यान दिया होगा इसके बारे में, मैंने बताया कि यहां पर या तो उनको धूप पे रख दिया जाए, बॉइल किया जाए, स्टीम किया जाए। उस कोकून को, कोकून के अंदर क्या है, यस यू नो अबाउट दैट, इन द कोकून देयर इज स्टिल द प्यूपा।
अभी उसके अंदर प्यूपा प्रेजेंट है, अभी वो एडल्ट मोथ नहीं बना, क्योंकि मोथ बनेगा तब तो उसको कोकून तोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। कोकून अभी टूटा नहीं है, उसके पहले ही कोकून को बॉइल कर दिया गया है। इसका मतलब हमें सिल्क फाइबर तो मिल गया, बहुत शानदार, बहुत महंगा, बहुत चमचमाता हुआ फाइबर तो मिल गया, बट वी आर किलिंग द एनिमल्स, हम उनको मार रहे हैं, हम एक तरह की हिंसा कर रहे हैं। तो इस थॉट को फॉलो करने वाले लोगों ने एक नया तरह का सिल्क बनाना शुरू किया, उसको बोलते हैं अहिंसा सिल्क और नॉन वायलेंस सिल्क। इसमें कोकून के अंदर से एडल्ट मोथ को उड़कर जाने देने तक का वेट किया जाता है, मतलब अराउंड 10 डेज का टाइम लगता है ज्यादा। और इस वाली जो ट्रेडिशनल मेथड है इसका इस्तेमाल ही किया जाता है आज भी, इसका तो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें 10 डेज ज्यादा लगते हैं और इसमें केवल 15 मिनट में बॉइल किया और काम हो गया। तो 10 डेज ज्यादा लगेंगे, और जब फाइबर को तोड़कर कोकून को तोड़ के जब एडल्ट मोथ निकलेगा बाहर तो कोकून टूटेगा, कोकून टूटेगा मतलब फाइबर्स टूट जाएंगे, तो कोकून के टूटने के कारण फाइबर्स की लेंथ भी छोटी हो जाएगी, इसलिए मशीन से ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन भी कम हो गया और टाइम भी ज्यादा लगा, तो नुकसान ज्यादा हो गया। आजकल लोगों की अच्छी इकोनॉमी पैसा, तो फॉर दैट इसलिए इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन इसको भी फॉलो करने वाले लोग हैं। तो अहिंसा सिल्क अराउंड 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दैट इज ऑल अबाउट द सिल्क एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल हेड टू द एक्सरसाइजेस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइजेस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। द फर्स्ट वन, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 bags फुल। ये ऐसे आपने राइम पढ़ी होगी बचपन में। सेकेंड इज, मैरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, एंड एवरीवेयर मैरी वेंट द लैम वाज श्योर टू गो। तो इसमें दो बातें हैं, ब्लैक शीप के बारे में, वूल के बारे में, और इसमें लिटिल लैम है जो उसके पास वाइज व्हाइट स्नो जैसा फ्लीस था। सो क्वेश्चन इनिशियल बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर, व्हिच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप के बॉडी के कौन से पार्ट्स में वूल मिलेगी। तो हमने बात की थी कि बियर्ड वाले, फेस वाले जो हेयर्स होते हैं वो तो कोर्स होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, तो बॉडी के होते हैं। सो द स्किन ऑफ द ब्लैक शीप हैज फर लाइक हेयर्स मेनली एट द बैक एंड एब्डोमेन नोन एज वूल। बैक मतलब पीठ, एब्डोमेन मतलब पीठ। What is meant by the white fleece of the lamb? Lamb की white fleece से क्या मतलब है? White fleece, soft under hair. White hairs of a lamb are also known as white fleece. यहाँ पर hairs से आप under hair भी लिख सकते हैं, soft होते हैं जो। Now question number 2, the silkworm is a caterpillar, a larva. दो option दे रखे हैं कि silkworm caterpillar होता है या larva होता है। Silkworm मतलब जो silk produce करता है, तो वो कैटरपिलर करता है, लार्वा करता है, दोनों के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए का मतलब कैटरपिलर ही है सिल्कवॉर्म, बी मतलब केवल लार्वा ही है सिल्कवॉर्म, बोथ ए एंड बी मतलब दोनों के दोनों है, कैटरपिलर भी और लार्वा भी, दोनों ही सिल्कवॉर्म है। फोर्थ ऑप्शन, नेदर ए नॉर बी, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आप जानते हैं चैप्टर में बात की कि कैटरपिलर जब बन जाता है लार्वा तो छोटा होता है, कैटरपिलर जब बन जाता है बड़ा हो जाता है तब वो खाना बंद करता है, उसके बाद से उसके मुंह से सलाइवा का सिक्रेशन होता है जो कि प्रोटीन के फाइबर के रूप में बनता है जो कि सिल्क होता है। सो द ऑप्शन 1 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, मतलब वूल यील्डिंग एनिमल कौन सा नहीं इनमें से। याक, कैमल, गोट एंड वूली डॉग। वूली डॉग के बारे में हमने बात ही नहीं की इस चैप्टर में, तो वूली डॉग से वूल नहीं मिलती है, बाकी सबसे मिलती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, वर्ड्स, नीचे टर्म्स दे रखे 3, रेयरिंग, शेयरिंग एंड सेरिकल्चर, तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। सो फर्स्ट वन, रेयरिंग, ब्रिंगिंग अप, रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स इज नोन एज रेयरिंग, जिसका दूसरा नाम क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। शेयरिंग फर्स्ट स्टेप है, हमने बात की प्रोसेसिंग ऑफ वूल के अंदर। सो the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body, the process is called shearing. patli si skin ki layer ke sath mein fleece, soft under hair body par se sheep ke kaat liye jate hain, that is shearing. and the last one, sericulture, the
रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सेरिकल्चर क्या है? सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म्स की खेती करना. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल. वूल की प्रोसेसिंग में जो स्टेप्स हैं उनका एक सीक्वेंस दे रखा है. आपको पता है कितनी होती हैं? 6. व्हिच आर द मिसिंग स्टेप्स. तो मिसिंग स्टेप्स कौन सी हैं? ऐड देम. उनको भी ऐड करके लिखना. तो क्वेश्चन तो इज दिस शेयरिंग, इसके बाद में बीच में गैप आ गया, ब्लैंक स्पेस, सॉर्टिंग, थर्ड स्पेस, थर्ड तो दे दिया में स्टेप का नाम, बाकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स का नाम गायब. तो हम लिखेंगे आंसर में शेयरिंग तो दे रखा था, फिर स्कोरिंग सेकंड स्टेप, थर्ड सॉर्टिंग दे रखी है, फोर्थ स्टेप में बाकी तीन होती है, सॉर्टिंग भी होती है, स्कोरिंग भी होती है, ड्राइंग भी होती है. आपको ये पता होना कि इसमें सॉर्टिंग कोर्स एंड सॉफ्ट की होती है और यहाँ पे सॉर्टिंग किसकी होती है? उसके फ्लफी बर्ड्स की जो कि स्वेटर के ऊपर निकल के आ जाते हैं हमारे, उनको अलग करना पड़ता है. फिफ्थ स्टेप पे रोलिंग एंड लास्ट में डाइंग, जिसको कलरिंग भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री में कोई दो स्टेजेस के डायग्राम बनाने, दो स्टेप्स के डायग्राम बनाने हैं. सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल में बात की, टोटल स्टेप्स कितनी थी, स्टेजेस कितनी थी? 4 हैं, उनमें दो के डायग्राम बनाने हैं व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. जो सिल्क के प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब सिल्क का प्रोडक्शन उनसे होता है. तो चार स्टेप में फर्स्ट एग होती है, सेकंड कैटरपिलर होता है, थर्ड प्यूपा होता है और लास्ट में मोथ होता है. तो फर्स्ट एग वाली और लास्ट मोथ वाली, इन स्टेज से कोई भी कनेक्शन नहीं है फाइबर का. किससे कनेक्शन है? कैटरपिलर से है और कोकून से. कोकून किसके उसके अंदर होता है? प्यूपा. तो प्यूपा स्टेज का नाम है और प्यूपा के बाहर की तरफ जो कोकून है उससे फाइबर मिलता है. सेकेट कौन करता है? कैटरपिलर. इसलिए हम दोनों का डायग्राम बनाएंगे इस क्वेश्चन में. आंसर ऐसा ऐसा मत लिख देना, आपको डायग्राम बनाना है. चैप्टर के दौरान हमने बात की थी डायग्राम के बारे में, आपको मैंने डायग्राम दिखाया था. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आउट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दे रखे हैं उनमें से विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. ऐसी कौन सी दो टर्म्स हैं, दो वर्ड्स हैं जो कि सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बाकी नहीं है? तो यहाँ पे टर्म दे रखे, सेरिकल्चर हमने पढ़ा, फ्लोरिकल्चर ये तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, चैप्टर में था ही नहीं. फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर का प्रोडक्शन, खेती. मोरिकल्चर ये नहीं पढ़ा हमने, इसको फिर से नहीं पढ़ा. अब इसके बारे में एक हिंट दे रखा है क्वेश्चन में. एपिकल्चर, एपिकल्चर का मतलब होता है एपिस. एपिस का मतलब होता है हनी बी. हनी बी को बायोलॉजी में एपिस बोलते हैं, एपिस इंडिका, तो उसकी खेती को एपिकल्चर बोलते हैं. और लास्ट में सिल्वीकल्चर, तो ये प्लांट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में होता है. इसका मतलब सिल्वीकल्चर हट गया, एपिकल्चर हट गया और फ्लोरिकल्चर भी हट गया, फ्लावर वाला. तो बचे कौन? सेरिकल्चर और मोरिकल्चर. सेरिकल्चर की बात हमने की, इसका मतलब सिल्क प्रोडक्शन, ये तो डेफिनेटली रिलेटेड है. लेकिन मोरिकल्चर रिलेटेड है कि नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे रखे क्योंकि दो टर्म्स बतानी है तो मोरिकल्चर होना तो चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए उसके लिए इस क्वेश्चन में दो हिंट दे रखे. देखिए, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म्स. तो सिल्क प्रोडक्शन में दोनों शामिल है, मलबेरी ट्रीज को लगाना और सिल्क वॉर्म को उनमें उन पर पालना. तो ये तो हमें पता डेफिनेटली, इसका मतलब सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है सेरिकल्चर. दूसरा हिंट दे रखा है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस एल्बा. बायोलॉजी में, साइंस में अलग अलग सारे ऑर्गेनिज्म के, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स सबके स्पेशल नेम्स होते हैं जो कि वर्ल्ड ओवर चेंज नहीं होते पूरी दुनिया में. साइंटिस्ट जब भी उस नाम को पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे दिस एनिमल वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस प्लांट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो मलबेरी जो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम है मोरस एल्बा. वाओ, इसलिए मोरस एल्बा मतलब जो मलबेरी का प्लांट है, खेती करते हैं तो किसान लोग मलबेरी प्लांट भी लगाते हैं, तो इसलिए मलबेरी प्लांट की खेती को मोरस एल्बा वर्ड से जोड़कर नाम रखा गया उसका, मोरी कल्चर. तो मोरी कल्चर में मोरी वर्ड किससे बना है? मोरस से. इसका मतलब मोरी कल्चर भी किससे रिलेटेड है? सिल्क प्रोडक्शन से. क्योंकि जब आप खेती करेंगे मशरूम, सॉरी शहतूत के प्लांट्स लगाएंगे, मलबेरी प्लांट्स लगाएंगे, तभी तो मिलेगा सिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि तभी तो सिल्क मोथ का वहां पे लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा. सो आंसर इज सेरिकल्चर एंड मोरी कल्चर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में मैच द वर्ड्स कॉलम 1 विद गिवन इन कॉलम 2. मैच करना है. कॉलम 1 में स्कोरिंग दे रखा है, मलबेरी लीव्स, याक एंड कोकून, इधर यील्ड सिल्क फाइबर, वूल, एनिमल्स फूड ऑफ सिल्क वॉर्म एंड रीलिंग एंड क्लीनिंग शेयर्ड स्किन. कॉलम 1 में स्कोरिंग के सामने कौन सा आएगा? क्लीनिंग शेयर्ड स्किन. वॉशिंग भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन देर का क्लीनिंग. मलबेरी लीव्स, सो मलबेरी लीव क्या है? फूड ऑफ सिल्क वॉर्म. कैटरपिलर इन्हीं को दिखाता है, कैटरपिलर सॉरी वो जब लारवा होते हैं कैटरपिलर होने तक.
याक, याक के अलावा की वूल यील्डिंग एनिमल है, हमारे इंडिया में पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख में। कोकून की बात करें तो कोकून यील्ड्स सिल्क फाइबर, कोकून से मिलता है, जब उनको बॉईल करते हैं तब मिलता सिल्क फाइबर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन गिवन बिलो इज ए क्रॉसवर्ड पजल, पजल दे रखी है आपके लिए बेस्ड ऑन द लेसन। यूज दिस, यूज हिंट्स, यहाँ पे नीचे हिंट्स दे रखे हैं तो उनको ब्लैंक्स पे भरना है। तो डाउन ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम के लिए तीन आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। थोरो वॉशिंग, अच्छे से वॉश करना, एनिमल फाइबर, किसी एनिमल फाइबर का नाम होगा उसका में। और थर्ड में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी लंबी सी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे। और अक्रॉस में मतलब लेफ्ट टू राइट में, फर्स्ट वाले में कीप्स वार्म, गर्म रखता है, सेकंड वाले में इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म्स, एंड थर्ड में हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ, मोथ के एग से को निकलता है। सो दैट टेबल इज गिवन ब्लैंक एंड दिस इज द आंसर, यू कैन राइट द आंसर विद दैट। सो चैप्टर कंक्लूड्स हियर, थैंक यू।